Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about how to update a slash number in your RD, postal RD accounts. So please like, share and subscribe this channel for more updates. So first of all friends, आपको क्या करना है, आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू DUP एजेंट लॉगिन के ऊपर लॉगिन करेंगे। उसके बाद सबसे पहला स्टेप अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे। अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आती है, ये आपके सामने आ रही है, अपडेट अ स्लैश नंबर, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे लिखा है सामने आरडी अकाउंट नंबर, आरडी अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। मैंने अपना एक अकाउंट नंबर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपके पास स्लैश नंबर है तो स्लैश नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो लिखेंगे अप्लाइड फॉर। अप्लाइड फॉर में कोई स्पेस नहीं देना है, अप्लाइड और फॉर में, और ये टाइप करने के बाद कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ऐड एंड अपडेट के ऊपर यहां पे इस जगह पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये देखिए यहां पे आ रहा है। अब आपने इसका रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट के ऊपर स्लैश नंबर रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे और यहां पे अकाउंट नंबर डालेंगे, जो आप जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, और यहां पे अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखिए सर्च का रिजल्ट आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, देन ये अप्लाइड फॉर आ गया। अब सपोज करो आपके पास यहां ये तो था अप्लाइड फॉर का, आपके पास अपडेट स्लैश नंबर ऑलरेडी है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे, तो सेम प्रोसेस है। यहां लिखेंगे अकाउंट नंबर, लिखेंगे मेरे पास इस अकाउंट के लिए स्लैश नंबर अवेलेबल है, उसको यहां पर लिख दूंगा 53874 53874, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ऐड एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जरूरी है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो अपडेट नहीं हुआ। जब तक यहाँ रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली ना डिस्प्ले हो तब तक मान लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर नहीं हुआ। अब इसकी रिपोर्ट में जाके दोबारा देखते हैं हम, तो अकाउंट नंबर डाला, सर्च किया, वाकई इसका ये देखिए इसका अपडेट नंबर स्लैश नंबर अपडेट हो चुका है। ये वन ओनली सिंगल अकाउंट्स के लिए ही आएगा, इकट्ठे आप इसको अपडेट सभी अकाउंट्स के लिए एकदम एक बारी से नहीं कर सकते हैं, वन बाय वन ही आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।